Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all doing well. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने आज एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ, जो कि है एक फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का नाम है ये 9 to 5 लैक्मे की फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन जो है वो है प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके पैकेजिंग की बात करें तो ये इस तरह के ग्लास के बॉटल में आती है और ये पूरा मेरा सील्ड है, मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है। तो चलिए अब मैं इसके सील को खोल लेती हूँ। और इसका कैप जो है वो रोज़ गोल्ड कलर का इसका कैप है। और इसे हम खोलने के बाद, जब हम इसे खोलेंगे तो इसकी कुछ इस तरह की एप्लीकेटर है। और इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। एज यू कैन सी, ये ज़्यादा रनी नहीं है और ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है, ये थिक और रनी के बीच की कंसिस्टेंसी की है। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, इसके अंदर आई गेस 16 शेड्स अवेलेबल है, और जो कि वार्म अंडरटोन के लिए, कूल अंडरटोन के लिए और पिंक अंडरटोन के लिए अवेलेबल है इसके अंदर सेट सारे। मेरा जो सेट है वो वार्म अंडरटोन का है, जो कि मेरा जो शेड है वो W240 वार्म वेज है। W मीन्स वार्म अंडरटोन, तो मैं वार्म अंडरटोन में आती हूँ, इसीलिए मैंने ये शेड सेलेक्ट किया है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फाउंडेशन कैसा काम करता है, कैसा वर्क करता है। और अभी तक मैंने इसे ट्राई नहीं किया, तो आज मैं इसे टेस्ट एंड ट्राई करूँगी कि ये फाउंडेशन। और इसकी MRP की बात करें तो ये इसकी MRP जो कि इस पे मेंशन है कि ये 475 रुपीज़, बट ये मुझे 350 से आई थिंक अंडर 400 में ये मुझे आ गया था फाउंडेशन। और इसके ऊपर लिखा हुआ है प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन, तो इसमें प्राइमर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये फाउंडेशन कैसा काम करता है मेरी स्किन पे और इसकी लॉन्ग लास्टिंग कैसी है। लेकिन चूंकि इस पे लिखा है 9 to 5, तो मतलब लॉन्ग लास्टिंग ही होगा आई गेस। और प्राइस वाइज बहुत अच्छी है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इसके ऊपर लिखी हुई है, 3 साल के सेल्फ लाइफ के साथ आता है। तो फ्रेंड्स, ये फाउंडेशन कैसा काम करेगा मेरे फेस पे, इसकी कवरेज कैसी है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहे मेरी वीडियो में। चलिए अब डेमो पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, फाउंडेशन लगाने से पहले, चूंकि इसके अंदर ऑलरेडी इस फाउंडेशन के अंदर प्राइमर है, तो मैं प्राइमर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करूँगी। उसके लिए मैं ये ले रही हूँ गुड वाइब का मॉइस्चराइज़र। तो मैं अपनी स्किन को फर्स्ट मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, अब मैं ये गुड वाइब की ही फेशियल ऑयल ले रही हूँ, क्योंकि हमें अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है, तो प्रिपरेशन ज़रूरी है। इस फाउंडेशन, कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, ये शेड मेरे स्किन टोन से ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। आप मेरे ही स्किन टोन वाली हैं तो आप ये शेड के साथ बिल्कुल जा सकती हैं। मैं जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मेरा मैक में NC40 शेड है मेरे स्किन का, तो आप अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकती हैं कि आपके स्किन टोन पे ये कौन सा शेड जाएगा। बट अगर आप NC40 वाली हैं तो आप इस सेट के साथ जा सकती हैं। चलिए अब मैं इस पैक की ब्रश, फाउंडेशन ब्रश से इसे पूरे ब्लेंड करके देखती हूँ कि इसकी क्या कवरेज आती है। फ्रेंड्स, आई हैव डन, मैंने ये फाउंडेशन लगा लिया है और एज़ यू कैन सी मेरे फेस पे एक अच्छी ग्लो लग रही है मुझे। और चूंकि मैंने स्किन प्रिपरेशन किया था तो मुझे ये फाउंडेशन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रहा है। और एज़ आई कैन सी, ये मेरे फाइन लाइंस पे भी उतना सेटल नहीं हुआ है, मैंने स्किन प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरीके से की थी, तो ये फाउंडेशन मुझे अच्छी लग रही है। ऑल राइट फ्रेंड, मैं बाकी का रेस्ट ऑफ द मेकअप करके वापस आप लोगों के सामने आती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये फाउंडेशन का परफॉर्मेंस कैसा है। सो आई एम बैक एंड एज यू कैन सी माई मेकअप इज़ लुकिंग वेरी फ्लॉलेस। और ये फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल भी किकी नहीं दिख रहा है मुझे,
और अगर मैं नज़दीक से भी देखूँ तो भी मुझे बिल्कुल भी केकी नहीं दिख रहा है, और काफ़ी फ्लॉस दिख रहा है एक्चुअली। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यह फाउंडेशन, और आफ्टर मेकअप फाउंडेशन बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो अब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि फ्रेंड्स ये फाउंडेशन बहुत अफोर्डेबल है इन दिस प्राइस रेंज, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। ये फाउंडेशन मुझे सच में बहुत पसंद आया, और ये काफ़ी अच्छा कवरेज देता है, आई मीन मीडियम टू हाई कवरेज देता है, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो आप इसे बिल्कुल से बाय कर सकती हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकती हैं। फ्रेंड्स आपको कैसे लगी मेरी ये वीडियो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।